हेलो स्टूडेंट, मैं सुमित चौहान। स्टार्ट करते हैं टुडे क्लास। डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम स्टडी कर रहे थे। अगर हमें ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है, उसके बाद में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उसका इजी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो हमारे पास अलग अलग सिस्टम है क्लासिफिकेशन के। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट मीन्स थ्री टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सिंपल डिफाइन है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस ऑन वन एंड टू easily recognizable character। आपके सामने कोई organism है, plant है, animal है, तो हम उसके अंदर एक या दो easily recognize हो जाएं, ऐसे character देखते हैं और उसके base पे हम उसको क्या कर देंगे, classified कर देंगे। Then artificial system of classification के अंदर जो classification हमारे पास में है, Theophrastus का classification and Aristotle का classification। Theophrastus father of botany, Aristotle फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। थियोफेस्टस ने प्लांट का क्लासिफिकेशन दिया। हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इट मींस वो सिंपल, इजीली रिकॉग्नाइजेबल करेक्टर के बेस पे होगा। तो यहाँ पे ट्री, शर्ब, अंडर शर्ब और हर्ब, एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन प्लांट की हाइट को देखते हुए थियोफेस्टस ने यहाँ पे दे दिया कि जो बड़े बड़े हैं वो ट्री हैं, ट्री से छोटे हैं वो शर्ब हैं, शर्ब से थोड़ा छोटा जो है वो क्या हो गया, अंडर शर्ब, और सबसे नीचे जो ग्रासेस हैं उसको किस कैटेगरी में रख दिया, हर्ब की कैटेगरी में रख दिया। अब एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, इसने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था, और हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इजिली रिकॉग्नाइजेबल करेक्टर देखो, इनेमा, एनिमा, ओविपेरी एंड वीविपेरी। इनेमा ऑर्गेनिज्म हैव आरबीसी, इनेमा। एनाइमा ऑर्गेनिज्म इन विच आरबीसी एब्सेंट, जिनमें आरबीसी रेड ब्लड सेल क्या है, एब्सेंट है, तो एब्सेंट को आप ए से लिंक कर सकते हैं, एनाइमा यानी ए आ रहा है तो आरबीसी एब्सेंट। ओविपेरी ऑर्गेनिज्म ले एग्स, जो ऑर्गेनिज्म एग ले करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, वो ओविपेरी है, ओविपेरस हो गए। और वीविपेरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस, जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं वो वीविपेरस।